फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं हूँ आयुषी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आयुष फेस वॉश वर्सेस पतंजलि फेस वॉश। अब आपने पतंजलि के तो काफी सारे फेस वॉश या प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। आपको कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे और कुछ प्रोडक्ट्स आपको अच्छे नहीं लगे होंगे। लेकिन रिसेंटली एक नया ब्रांड मार्केट में काफी देखने को मिल रहा है, वो है आयुष। आयुष जो है ब्रांड बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है। मैंने इसके फेस वॉश एंड क्रीम पर्सनली यूज किए हैं, जिसका रिव्यू मैं आपको आज देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने पतंजलि के कुछ फेस वॉश यूज किए होंगे। यहाँ पर मैं ये जो रोज इसका फेस वॉश आता है वो बताने वाली हूँ। ये फेस वॉश काफी अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है, इसका जो बेस है वो भी अच्छा है। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए ठीक है और बहुत ज्यादा ऑयल आपके फेस से नहीं निकालता, लेकिन ये काफी अच्छा है। आपकी स्किन पर काफी सॉफ्ट रहता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस नहीं करता, और ज़्यादा लगाओगे तो ड्राइनेस होगी। और इसके अलावा इसका जो प्राइस है वो है 45 रुपीज, यानी 45 रुपये। और क्योंकि ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है फॉर सॉफ्ट स्किन, और इसमें लिखा हुआ है रिड्यूसेस ड्राइनेस, तो ये आपकी ड्राइनेस तो करता नहीं है फेस पे, एंड रफनेस फॉर स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन, तो ये नॉर्मल स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आयुष का जो फेस वॉश है ये इसका प्राइस है 110 रुपीज, यानी 110 रुपये। और ये है, ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। इनके एडवर्टीजमेंट में भी आता है असली आयुर्वेदा, जिसमें आपको अक्षय कुमार मिल जाएंगे। और मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी थी इसको यूज़ करने की, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ। आफ्टर 10 to 15 डेज, बल्कि 20 दिन, 10-15 दिन से भी ज़्यादा मुझे इसको यूज़ करते हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। अब आयुष के जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो है ये दो फेस वॉशेस। आयुष का ये वाला फेस वॉश है जो कि है नेचुरल फेयरनेस सैफ्रन फेस वॉश, और ये दूसरा जो फेस वॉश है ये है उनके लिए जिनकी स्किन पर है पिंपल्स, और एंटी पिंपल टर्मरिक फेस वॉश। तो ये जो आयुष के प्रोडक्ट्स है ना, वो आपकी स्किन अगर ऑयली है या अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्मल स्किन पर भी आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इनको यूज़ मत कीजिएगा, या फिर बहुत कम अमाउंट आप इनका यूज़ कीजिएगा। आयुष के फेस वॉशेस सच में आयुर्वेदिक लगते हैं, और इनकी जो स्मेल है, जो खुशबू है, वो थोड़ी थोड़ी ना सैफ्रन जैसी है। थोड़ी थोड़ी सैफ्रन की खुशबू आएगी इसके अंदर से आपको, और ऐसा लगेगा कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा जैसे पतंजलि एलोवेरा केसर चंदन आता था वैसी खुशबू नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छी है। एक बेस है इसके अंदर, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक अच्छा बेस इन्होंने दिया हुआ है। वाइट कलर का बेस आपको देखने को मिल जाता है, आप देख पाओगे। ये एक क्रीम की तरह एक बेस है जो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये कोई जेल टाइप है। और लेकिन ये जो दूसरा फेस वॉश है ये जेल टाइप है, ये एक जैसे एलोवेरा आता है ये उसकी तरह है। लेट मी शो यू, ये जेल टाइप है ऐसे, तो पिंपल्स वाला। और दोनों ही आपकी स्किन पर लगने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। इनसे कोई भी पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन इनको बहुत कम लगाना पड़ता है, जो कि एक एडवांटेज है। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम लगानी पड़ती है अपने फेस पर, और इसको आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दो बार यूज़ कर सकते हो, विच इज़ गुड इनफ। तो ये आयुष फेस वॉश जो है, आयुष के जो फेस वॉश हैं उनको मैं दूंगी 9 out of 10, विच इज़ रियली गुड स्कोर। अब पतंजलि के ये जो फेस वॉश है जो मैंने यूज़ किया था, इसको मैं दूंगी 7.5 out of 10, या 8 बेसिकली, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वाला जो फेस वॉश है ये आपकी स्किन पर सिर्फ स्मूथ बनाता है, डर्ट निकालता है वो ठीक है, लेकिन कम्प्लीटली आपकी स्किन से डर्ट नहीं निकाल पाता। इसका जो बेस है वो काफ़ी जेल टाइप है, तो अच्छे से आपकी स्किन पर हम इसको लगाते हैं तो लग नहीं पाता। और इसकी जो खुशबू है वो अच्छी है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इसकी, जो कि ऑयली स्किन को या एक ड्राई स्किन के लिए ये ठीक है, लेकिन ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये ठीक नहीं है। थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट आपको लगाना पड़ता है, तो ये डिसएडवांटेज है। लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सही हैं, बट यहाँ पर आयुष जो है वो पतंजलि को ओवरकम कर लेता है। तो क्योंकि इनका प्राइस में भी आप देखिए डिफरेंस है, और ऑफकोर्स इनकी क्वांटिटी में भी डिफरेंस है, तो
आई लाइक दिस वन, आयुष का 110 प्राइस है इसका, 45 है, और लेकिन इसका क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, उस हिसाब से ये ठीक है, अच्छा फेस वॉश है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपने पतंजलि तो यूज किया ही होगा, अगर आयुष अब तक यूज नहीं किया है तो आप ये आयुष के जो न्यू फेस वॉशेज आए हैं आप इनको जरूर एक बार ट्राई कीजिए और बहुत अच्छी स्किन आपको लगेगी। और अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है ना, तो उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंटी पिंपल जो टर्मरिक फेस वॉश है। आपने दूसरे फेस वॉशेज यूज किए होंगे लाइक हिमालया फेस वॉश एंड वो सब, उनसे ज्यादा बेटर लगा मुझे ये। और ये क्योंकि बिल्कुल प्योर है, 100% नेचुरल है, और इसके अंदर ऐसे हर्ब्स हैं लाइक केसर है, सैफ्रन जिसे आप बोलते हो, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स ये एक न्यू फेस वॉश से मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, और थोड़ी ड्राइनेस की इसकी जो डिसएडवांटेज है ना आयुष की, थोड़ी ड्राइनेस है तो उसको थोड़ा कम लगाइएगा, मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, थोड़ा कम लगाइएगा। और क्योंकि मैंने क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश भी यूज़ किया है, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश यूज़ करने के बाद क्या होता है, आपकी स्किन पर ना 2 घंटे तक ऑयल नहीं आएगा, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर ऑयल आने लगता है। लेकिन अगर आप आयुष फेस वॉशेस यूज करोगे तो ऑयल जो आने का जो टाइम है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4-5-6 घंटे बाद आपके फेस पर ऑयल आएगा। तो ये ऑयल निकालने के लिए नंबर 1 फेस वॉश है जो मैंने अब तक यूज किया है इन दिस प्राइस। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जल्दी से उस लाइक बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है तो, और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं क्रीम की वीडियोस भी आपके लिए लाऊं, या कोई मेकअप प्रोडक्ट्स की वीडियोस चाहिए, तो प्लीज मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।